नमस्कार, इन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। रुक करते हैं दो मिनट में 10 खबरों का। यूपी के बासगांव में पीएम मोदी की चुनावी हुकार, विपक्ष पर साधा निशाना, बोले छठे चरण के मतदान ने गठबंधन के छक्के छुड़ा दिए, अब सातवें चरण में इंडी वालों पर पूर्वांचल का होगा प्रहार। राहुल गांधी ने हिमाचल के नाहन में जनसभा को क्या संबोधित, बोले संविधान को बदलने की साजिश चल रही है लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अमृतसर के गोल्डन टेंपल में टेका मत्था, गुरु का लिया आशीर्वाद, बोले मैं हर बार जब यहां आता हूं तो मिलता है सुकून। दिल्ली के विवेक विहार बेबी केयर सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से लगी थी आग, 7 मासूमों की गई जान। हरदोई में तैनात सिविल जज का कुत्ता हुआ चोरी, खोजने में जुटी यूपी पुलिस, 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। उड़ीसा में बीजेपी प्रत्याशी प्रशांत जगदेव पर पुलिस का बड़ा एक्शन, ईवीएम में तोड़फोड़ करने का आरोप, गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। गुजरात के राजकोट में गेम जोन में लगी आग, 12 बच्चों समेत 27 लोगों की मौत, घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम भूपेंद्र। रिटायर्ड आईएएस की पत्नी के हत्यारों का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, स्कूटी से निकलकर भागे थे बदमाश, 45 मिनट में वारदात को दिया था अंजाम। पश्चिम बंगाल चक्रवात रेमल के अलर्ट के बीच शहर में भारी बारिश, यातायात पर दिखा असर। दिल्ली यूपी में जारी रहेगा गर्मी और लू का कहर, गर्मी से धधक रहा राजस्थान, इंडो पाक बॉर्डर पर 55 के पार हुआ पारा। मेरे साथ टॉप 10 खबरों में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एन भारत।